हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, www.guideusonline.com से मैं कुमार अमित। दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स टूल का ये दूसरा ट्यूटोरियल है और इसके पहले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा कि कैसे अपना जो ब्लॉग है उसको हम लोग गूगल एनालिटिक्स टूल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का कुछ और सीखेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा, है ना। तो सेशन का यहाँ से क्या मतलब होता है, इट मींस द पीपल हु कम टू योर वेबसाइट, है ना, वेबसाइट एंड विजिटेड। मतलब ये होता है कि सेशन का मतलब मतलब लोग होते हैं, वो लोग जो आपके ब्लॉग पे आते हैं, जो आपके ब्लॉग को विजिट करते हैं। सेशन का मतलब यहाँ से वो होता है ना, सेशंस। यूजर्स मतलब कि इट मींस दैट द न्यू विजिटर हु डिड नॉट केम टू योर वेबसाइट। यूजर्स गूगल एनालिटिक्स टूल में वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट में पहली बार आते हैं। ठीक है, तो वो गूगल एनालिटिक्स का जो टूल है वो उनको यूज़र से इंडिकेट उसने किया। ठीक है, तो कई लोग होते हैं विजिटर्स होते हैं जो पहली बार आते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रिटर्न बैक होते हैं ना, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर है वो। पेज व्यू इट मीन्स दैट हाउ मच अ विजिटर विजिट योर वेबसाइट पेजेस। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई विजिटर आया, ठीक है, तो आपके वेबसाइट में जो पेजेस हैं उसको कितनी बार विजिट किया, कितनी बार उसने देखा, तो उसको हम लोग कहते हैं पेज व्यूज, है ना। एवरेज पर विजिट ड्यूरेशन, मतलब कि जैसे पर ड्यूरेशन का मतलब कि जैसे कोई विजिटर्स आया, ठीक है, आपके वेबसाइट में, तो उसने आपके वेबसाइट में जाके उसने देखा कि क्या क्या चीज़ें आपके वेबसाइट में हैं और कितने टाइम उसने स्पेंड किया, मतलब 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, कितना। तो हर एक विजिटर का जो स्पेंडिंग टाइम होता है, जो आपके ब्लॉग में उसने टाइम स्पेंड किया, उन सबका मिला के एवरेज एक बनाया जाता है। ठीक है, तो वो फिर एवरेज विजिट ड्यूरेशन पर विजिट ड्यूरेशन कहलाता है। इट मीन्स द एवरेज टाइम ऑफ अ विजिटर हु विजिट योर वेबसाइट मीन्स दैट द टाइम ही स्टेड टू योर वेबसाइट। ठीक है, पेज पर सेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट द विजिटर सी हाउ मैनी पेजेस इन टू योर वेबसाइट। इसका मतलब ये होता है कि पेज पर सेशन मतलब कि एक विजिटर ने आपके पेज को कितने पेजेस को देखा, ये वो डिटेल में बताता है कि एक आपका कोई विजिटर है जो आपके वेबसाइट पे आता है, उसने कितने पेज देखे, है ना। इट मींस दैट द विजिटर सी हाउ मैनी पेजेस इनटू योर वेबसाइट। बाउंस रेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसईओ के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है अपने आप में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ एसईओ। So what is bounce rate? It means that a visitor stay your website in less time or more time. अच्छा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई विजिटर आपके ब्लॉग में आया, है ना, तो वो कितना टाइम स्पेंड किया, कम समय के लिए वो आपके वेबसाइट में रुका या ज़्यादा समय के लिए आपके वेबसाइट में रुका। अगर कम समय के लिए रुकता है तो आपके आपके जो ब्लॉग का बाउंस रेट वो हाई हो जाता है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए कोई विजिटर आपके ब्लॉग में रुकता है तो आपके वेबसाइट का जो बाउंस रेट बनता है वो बहुत कम बनता है, बहुत लो बनता है। ठीक है, इफ विजिटर स्टे इन योर वेबसाइट फॉर मोर टाइम देन द बाउंस रेट विल बी लेस, एंड इफ विजिटर स्टे इन टू योर वेबसाइट फॉर लेस टाइम देन बाउंस रेट विल बी हाई। ठीक है जी, परसेंटेज न्यू सेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट द हाउ मैनी न्यू विजिटर कम ऑन टू योर वेबसाइट। मतलब कि न्यू विजिटर परसेंटेज के हिसाब से कितने आपके वेबसाइट पे आए।
देयर इज़ अ चार्ट वेयर शो हाउ मेनी विजिटर्स कम टू योर वेबसाइट एंड रिटर्न अगेन, मतलब कि कितना वेबसाइट मतलब कितने जो लोग हैं आपके वेबसाइट पे गए और फिर वापस आए। ठीक है अच्छा जी, तो हम लोग चलते हैं गूगल एनालिटिक टूल में और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल एनालिटिक टूल में पहले से ही लॉग इन हूँ और अपनी वेबसाइट जो गाइडेंस www.guidanceonline.com है उसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे सामने आ जाता है। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था सेशन, सेशन का मतलब यहाँ क्या है, यूज़र्स, यूजर मतलब लोग जो आपके वेबसाइट में आते हैं और आपके वेबसाइट का जो कंटेंट होता है उसको विजिट करते हैं। ठीक है, यूजर्स। अच्छा जी, तो ये तो हो गया लोग, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए सेशन है ना ऊपर, इट मीन्स द पीपल हु कम टू योर वेबसाइट एंड विजिट इट, मतलब कि ओवरऑल कितने लोग आए, ओवरऑल 8 लोग आए। ठीक है, यूजर्स का मतलब यूनिक विजिटर, यूनिक विजिटर कितने आए, 3 आए। ठीक है, यूनिक मतलब जो पहली बार आपके वेबसाइट को विजिट करने आए वो 3 आए। ठीक है, पेज व्यू, पेज व्यू टोटल कितना रहा, पेज व्यू जो वेबसाइट का हमारा था, अभी तो बहुत उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है इसलिए अभी जो पेज व्यू दिखा रहा है वो 14 दिख। ठीक है, मतलब ये कि जो 8 टोटल विजिटर आए, यहाँ पे देखिए टाइम ड्यूरेशन में अक्टूबर 15 से मार्च 3, तो मैंने यहाँ फरवरी में अपना वेबसाइट यहाँ ऐड किया था, तो ये जो डेटा दिखा रहा है वो फरवरी से दिखा रहा है। ठीक है, तो वहाँ से अक्टूबर से नहीं दिखा रहा। ठीक है ना, तो ठीक, तो 8 टोटल विजिटर्स आए, 3 उनमें से यूनिक थे और उन्होंने टोटल 14 पेज व्यू देखे। पेज पर सेशन, पर सेशन जैसे मैंने आपको बताया, पर विजिटर या लोग मतलब एक लोगों ने आपके कितने पेजेस देखे, तो इनका कहना है कि 1.75 पेजेस देखे। एवरेज सेशन ड्यूरेशन, एवरेज सेशन ड्यूरेशन अभी आपको बताया मैंने कि आपके वेबसाइट में एक जैसे कोई विजिटर आता है तो कितने टाइम तक रुकता है। ठीक है, तो वो कहलाता है एवरेज सेशन ड्यूरेशन। तो मेरे वेबसाइट का जो ये एवरेज सेशन ड्यूरेशन है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इतना रहे तो वो बहुत बेटर कहलाता है। बाउंस रेट, बाउंस रेट जिसे देखिए 50%, इसके अकॉर्डिंग ये मेरा बाउंस रेट बना 50%। ठीक है, ये कहलाता है बाउंस रेट, मतलब ये कहलाता है जैसे कि एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, जब आप कोई क्रिकेट देखते हो तो उसमें बाउंसर डाला जाता है, तो बाउंसर क्या होता है कि तेज़ी से निकल जाता है। ठीक है, तो तेज़ी से निकल जाता है तो उसको कहते हैं बाउंस रेट। अगर तेज़ी से निकल गया, कोई विजिटर आपके ब्लॉग में आया, वेबसाइट में आया, तेज़ी से वो निकल गया, तो आपके जो वेबसाइट का जो बाउंस रेट बनता है वो हाई बनता है। अगर कोई विजिटर आपके वेबसाइट में ज़्यादा देर तक रुकता है तो उसका जो बाउंस रेट बनता है वो कम बनता है। ठीक है, मतलब मेरी वेबसाइट में 5 मिनट 39 सेकेंड एवरेज एवरेज जो विजिटर मतलब सभी मतलब जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई 5 मिनट रुका, कोई 15 मिनट रुका, कोई 3 मिनट रुका, कोई 10 मिनट रुका, तो उन सबका एवरेज जो बनाया जाता है वो होता है एवरेज सेशन ड्यूरेशन, इतने टाइम तक वो रुका। ठीक है, परसेंटेज न्यू सेशन मतलब परसेंटेज में कितने विजिटर्स आए, तो ये बता रहा है कि 37%। ठीक है, 37.5%। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए एक ये ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है मतलब रिटर्निंग विजिटर है ना, ग्रीन का मतलब हो गया कि न्यू विजिटर, तो यहाँ पे देखिए 37.5 न्यू विजिटर्स है और 62.5 रिटर्निंग है, मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप रिटर्निंग जो एक बार विजिटर आ रहा है वो बार बार मेरी वेबसाइट पे उसका परसेंटेज ज़्यादा है उसके आने का। ठीक है, तो ये वो चीज़ यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से आप कोई भी रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ईयर्स भी यहाँ पे दे दोगे, मंथ भी डाल दोगे। ये फ्रॉम टू है, मतलब फ्रॉम अक्टूबर 15 2015 से मार्च 3 2016 तक। ठीक है, फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए ये डे डे मैंने मतलब डे बाय डे का यहाँ दिया है, तो हावरली भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, तो ये क्या करेगा कि पर आवर के हिसाब से ये
जो ग्राफ होगा वो हमको दिखाएगा, ठीक है, उसका ये सेशन बनेगा। डे के हिसाब से करोगे तो ये पर डे के हिसाब से बनेगा, ठीक है। ये देखिए जैसे 3, 2 फरवरी, ठीक है। अब वीक के हिसाब से डालोगे यहाँ पे तो ये वीक का ड्यूरेशन बनेगा, ठीक है। फिर मंथ का डालोगे तो सॉरी ड्यूरेशन नहीं, मतलब ये आपका जो ये जो ग्राफ बनेगा वो पर मंथ के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेशन बन रहा है 5, मतलब यहाँ पे 5 लोग आए, यहाँ पे 0 सेशन बन रहा है। यहाँ से देखिए 3, यहाँ से 5, मतलब टोटल हुए 5, 2, 8, मतलब टोटल 8 विजिटर आए। वीक में देखेंगे तो ये आया इस वीक में सेशन 7, 7 लोग आए, और यहाँ पे इस फेब्रुवरी 21 से 27, दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये वीक में दिखा रहा है 21 से 27, और यहाँ पे दिखा रहा है जनवरी 31 से फेब्रुवरी 6 तक। तो ये जो सेशन बना 7, ठीक है, तो ये वीकली, ये मंथली बताएगा आपको। तो ये देखिए जनवरी 1 से जनवरी 31 तक, इसमें 3 आए, और यहाँ पे देखिए फेब्रुवरी 1 से फेब्रुवरी 29, ये पर मंथ का बता रहा है, ठीक है, 5, 3, 8, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब यहाँ नीचे देखिए ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं इसको भी हम लोग डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ कि अपने वीडियो को यहाँ पे अभी मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में हमें बताएं,